गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, हम नरोत्तम दास के सुदामा चरित खंड काव्य का अध्ययन कर रहे थे। उसकी जो अगली व्याख्या है वे देखिए। भेटी भरी विधि विप्रसो कर गई त्रिभुवन राय, अन्तःपुर मा ले गए जाने दूजा जाए। मणिमंडित चौकी कनक ता ऊपर बैठाए, पानी भरो परात में पग धोवन को लाए। सुदामा के साथ कृष्ण का जो उदार व्यवहार है उसका उल्लेख इन पंक्तियों में किया गया है कि कृष्ण सुदामा को अपने अंतःपुर में ले जाते हैं, जहाँ पर किसी का जाना संभव नहीं है, वह स्थान वो सुदामा को देते हैं। भेटी भली विधि विप्रसो, ये श्री कृष्ण ने सुदामा से भेंट की, भली भांति उन्हें अपने गले लगाया। कर गई त्रिभुवन राय, कि सुदामा को अपने गले और छाती से भेंट करके तीनों लोकों के स्वामी कृष्ण उस सुदामा का कर गही मनी हाथ पकड़ कर त्रिभुवन राय, मैंने जो त्रिभुवन राय तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण है, वो अन्तःपुर माँ ले गए। कहाँ ले गए उसे? अन्तःपुर में ले गए, जहाँ ने दूजा जाए, जहाँ पर किसी और का जाना असंभव है, उस जगह पर वो उस सुदामा को ले गए। है ना? भेटी भली विधि विप्रसो, कि उस विप्र से भली भांति भेंट करके हाथ पकड़ करके उसे अन्तःपुर में ले गए, जहाँ पर किसी और का जाना संभव नहीं है। मणिमंडित चौकी कनक ता ऊपर बैठा है, और सुदामा को मणियों से जड़ित सोने की जो चौकी है उस पर आसन दिया, ता ऊपर बैठा है अर्थात उसके ऊपर उन्हें बैठाया। पानी धरो परात में पग धोवन को लाए, और परात में पानी लेकर उनके पग धुलते हैं, अर्थात परात में पानी भरकर तीन लोकों के स्वामी श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से उनके पैरों को धुलते हैं। राजन मनी सोलह सैस सब सेवकन सभीत समीत, सॉरी, आठों पट रानी वही चिति चकित है प्रीत। 16,000 रानियां, 16 सहस यानी कि 16,000 तो उनकी रानियां, और सब सेवकन समीत और सभी उनके सेवक, आठों पट रानी और आठों पट रानियां, आठों पट रानियां क्या करती है? चित्तई चकित यह प्रीत, सुदामा के प्रति कृष्ण भगवान का ऐसा प्रेम देखकर अचंभित रह जाती है, आश्चर्यचकित रह जाती है कि यह ऐसा कौन है जिसके प्रति त्रिलोकी का ऐसा स्नेह ऐसा प्रेम उमड़ रहा है। जिनके चरण को सलित हरत जगत संताप, पाए सुदामा विप्र के धोवन ते हरि आप। कि जिनके चरणन का सलित, कि जिनके चरणों का जो पानी है वह इस संसार के तापों को दूर करने वाला है, इस संसार के तापों का हरण करने वाला है, इस संसार के दुखों को दूर करने वाला है। पाए सुदामा विप्र के धोवन ते हरि आप। ऐसे वे सुदामा स्वयं ही उस ब्राह्मण के पैर धोने के लिए तैयार हो जाते हैं, अर्थात वे सोचने लगे कि जिनके चरणों का जल संसार भर के संतापों को दूर कर देता है, वे ही श्री कृष्ण, वे ही त्रिलोकीनाथ सुदामा के पैर स्वयं अपने हाथों से धो रहे हैं। यह ऐसा कौन है? इसके प्रति इनकी ऐसी प्रीति क्यों है? इस प्रकार वे सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आगे देखिए। ऐसे बेहाल विवाही सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए,
हाय महादुख पायो सका, तुम आए इतने किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छोने, नैनन के जल से पग धोए। कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही है। देखो किस प्रकार से श्री कृष्ण सुदामा की दुर्दशा को देखकर व्याकुल हो जाते हैं, उसी व्याकुलता का चित्रण करते हुए नरोत्तम दास जी कहते हैं, ऐसे बेहाल विवाहिसु, कि सुदामा के पैरों में विवाहियाँ फटी हुई थी, अतः उनके पैर नंगे पैर चलने से उनके जो पैर है उनकी दुर्दशा हुई थी। उन विवाहियों से सुदामा के पैरों का बुरा हाल हो रहा था। पग कंटक जाल लगे पुनि जो है, और उनके पैरों में जो कांटे हैं वो लगे हुए थे, असंख्य कांटे लगे हुए थे। हाय महादुख पायो सखा। तो उनकी ऐसी दशा को देखकर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे सखा, तुम इतना दुख तुमने क्यों पाया? तुम पहले ही मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? कि तुमने इतने दिनों कहाँ व्यतीत कर दिए? इतना कष्ट पाकर भी तुम मेरे पास में क्यों नहीं आए? फिर तुम आए इतने कितने दिन दुख खोए, कि तुमने इतने दिन व्यतीत कर दिए और तुमने एक पल के लिए भी मुझे याद नहीं किया, मेरे पास नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा। इस प्रकार से सुदामा जी की दीनहीन दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। उन पर वो द्रवित हो जाते हैं और द्रवित होकर के रोने लगते हैं। करुणा निधि, करुणा के निधि स्वयं भगवान उनकी दीनहीन दशा पर व्याकुल हो जाते हैं। उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है। इसलिए पानी परात को हाथ छुओ नहीं, इन जो परात में सुदामा के पैरों को धोने के लिए जो पानी लिया था उसको तो उन्होंने हाथ से स्पर्श ही नहीं किया, और वे इतने रोए कि अपने आँखों का जो अश्रु है उनसे ही उन्होंने सुदामा के पैरों को धुल दिया, है ना। नैनन के जल सु पग धोए, अर्थात अपने उन आंसुओं से ही सुदामा के पैर उन्होंने धो दिए। तो यह नरोत्तम दास जी कहना चाहते हैं कि अपने मित्र की दयनीय दशा को देखकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही दुखी हो जाते हैं, और दुखी होकर वो उनकी जो बेहाल दशा है उसको देख नहीं पाते हैं, और उनके आँखों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ऐसा लगता है कि उन अश्रुओं से ही उन्होंने सुदामा के पैरों को धुल दिया हो। अगला देखिए, दोही चरण पत पीठ सो पहुँचत वह जदुराय, सती भामा सो यों कहे करो रसोई जाए। तंदुल तिये दीने होते आगे धरियो जाए, देखी राज समति विभव दे नहीं सकत लजाए। अंतर जामी आप हरी जानी भगत की रीत, सूरदय सुदामा विप्रसु प्रकट जना ही रीत। दोही चरण पत पीठ सो, अर्थात श्री कृष्ण भगवान सुदामा के पैर धोते हैं और धोने के पश्चात उन्हें वस्त्र से पहुंचने का प्रयास करते हैं। उसी का चित्रण इन पंक्तियों में किया है। देखियो कि किस प्रकार सुदामा का वो स्वागत करते हैं। दोही चरण पीठ सु, ये सुदामा के चरण धोकर और उन्हें अपने पीले वस्त्र से, कैसे, पीत यानी पीले वस्त्र से पहुंचते हैं। और पहुंचत वे जदुराई यदुवंशी श्री कृष्ण भगवान स्वयं उनके चरणों को पहुंचते हैं। सती भामासु यों कहे, और सत्यभामा से उन्होंने कहा कि तुम जाकर रसोई तैयार कीजिए, भोजन तैयार कीजिए। तंदुल तीय दीनो होते, और सुदामा की पत्नी ने जो भेंट के लिए जो चावल दिए थे और उनसे कहा था कि तुम इन्हें कृष्ण के पास जाकर के रख देना। आगे धरियो जाए, आगे वन किसके आगे, श्री कृष्ण भगवान के आगे जाकर रख देना। देख राज संपत्ति विभव दे नहीं सकत लजाए।
तो उन्होंने वो उनको उनके सामने रख देता है, किंतु कृष्ण की राजसी संपत्ति वैभव देखते हुए संकोच के कारण उन चावल को कृष्ण को नहीं दे पाया। अर्थात वो रखने का प्रयास करता है लेकिन वह रख नहीं पाता है। क्यों नहीं? देख राज संपत्ति की, जो श्री कृष्ण की जो राज संपत्ति थी, अर्थात उन राजमहल की जिस प्रकार से राशि ठाट बाट थे, उनको देख करके वह उन्हें उनके सामने रखने में संकोच की अनुभूति करता है। अंतपुर जामी आप हरी जानी भगत की प्रीत। अंतर्यामी कृष्ण अपने भक्तों की इस रीति को पहचानता है कि मित्र सुदामा ने सामने स्वयं ही अपनी प्रीति व्यक्त की है, वे अपने प्रेम को रोक नहीं पाए हैं और सुदामा से प्रेम पूर्वक क्या कह रहे हैं। देखो श्री कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं। श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण भगवान बोले, क्या बोले? कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहा कहाँ की एक। जब सुदामा जी देने में संकोच करते हैं तो अंतर्यामी श्री कृष्ण सब कुछ समझ जाते हैं और वो सुदामा जी से कहते हैं कि भाभी ने हमारे लिए तुम्हें जो कुछ तुम्हारे हाथ भिजवाया है उनको तुम हमें क्यों नहीं देते हो, है ना? सो तुम काहे न दे, उनको हमको क्यों नहीं देते हो? चापी पोटरी काख में, कि तुमने अपनी हाथ के अंतर्गत उस गठरी को दबाकर रखा है, तो काख में उस गठरी को क्यों दबा कर के रखा है? रहो क्यों उन्हें दे, और हमें उन्हें निकाल कर क्यों नहीं दे देते हो? आगे चना गुरु मात दहे ते लहे तुम चाबी हम नहीं दीन, कि तुमने पहले भी गलती की थी कि पहले गुरु माता ने हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे लेकिन तुमने क्या किया था, उनको अकेले ही खा लिए था, है ना? लहे तुम चाब हमें नहीं दीने, और उन्हें हमको नहीं दिया था और अकेले तुम सारे चने चबा लिए थे। कृष्ण कहो मुस्कुराए सुदामा से, चोरी की बानी यूझू प्रवीण। फिर श्री कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसे तो यही लगता है कि तुम क्या है, चोरी करने में निपुण हो, प्रवीण हो, और क्योंकि भाभी द्वारा दी गई जो गठरी है उसको तुम छुपा कर बैठे हुए हो, क्या ना? पोटरी कांख में चाप रहे तुम, खोलत नहीं सुदारस पीने। जो पोटरी है उसको छुपा करके बैठे हो और उसमें अमृत के रस जैसी स्वादिष्ट जो वस्तु है उन्हें हमें देने में तुम संकोच कर रहे हो। पिछली है ना, पाचिल बानी अजो ने तजो तुम तैसे भाभी की तंदुल कीर। ये तुमने अपनी जो पिछली आदत है उनको आज तक भी नहीं छोड़ा है, इसी कारण तुम भाभी के द्वारा भेजे गए जो चावल है तैसे भाभी के तंदुल, मैंने भाभी के द्वारा भेजे गए जो तंदुल है, जो चावल है, उनको भी तुम छिपा करके बैठे हुए हो। तुम्हारा ये जो व्यवहार है वह अनुचित है, तुम हमें वह वस्तु भेंट कीजिए जो वस्तु हमारे लिए भाभी ने भेजी है। इस प्रकार सुदामा को संकोच बस चावल जैसी मामूली वस्तु को देने में संकोच की अनुभूति हो रही है, तो त्रिलोकीनाथ इस बात को समझ जाते हैं और उनसे संकोच त्यागने का अनुग्रह करते हैं।